हाँ क्या खड़े हो निठल्ली की तरह ऐसे? अरे बाल काटने, ओपन हार्ट सर्जरी थोड़ी करनी है, काटना। मारेंगे ना बिलोटे, बकवास कर रहे तब से चिल्लाया जा रहा है। अरे यार इतना बड़ा जिम्मेदारी है यार बिलोटे, तुम्हारा गर्दन थोड़ी काटना है कॉन्फिडेंस में रहे। छोड़ दो, मैंने कटवा रही। एक मिनट बैठिए संतु, हम काट रहे, हम काट रहे संतु जी, आराम से रुकिए रुकिए। काट उसको निकल जाए यहाँ से। भगवान ने तुझे इतना टैलेंट दिया, तू यूज करना टैलेंट का। तारीफ लग रहा है। अच्छा मैं आईने में देख कर आती हूँ, वो क्या है, करिश्मा मैडम की फेयरवेल पार्टी भी तो है, तो न्यू लुक होना चाहिए ना, क्यों मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं जाती हूँ। एक मिनट, तूने घटी यहाँ से छू मत यहाँ पे। क्यों? अभी वहाँ पे संधि ही छू कर गई है ना। संधि जी छू की गई ना। बिलोटे मार के टकला फाड़ देंगे तुम्हारे। काम करो अपना अपना जाके। इसको क्या काम है, ये तो निठल रहा है, ऐसे रहेगा। हाँ तुम्हारे बाबूजी निठल ले। मैडम देखिए ये ये ये। मैडम कोई सीरियस बात, मतलब एकदम सीरियस दिख रहे हैं आप, इसलिए। नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा अजीब लग रहा है हमको, आदत हो गया ना हमको इस वर्दी का, इस थाने का, तुम सब का, तुम्हारा ये बकर बकर का और ये सास बहू और साजिश का। यकीन नहीं हो रहा है कि दो दिन बाद हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर मतलब यहाँ कभी नहीं आएंगे। देखो बेटा, देखिए करिश्मा मैडम की क्या है, समय बलवान है, हर एक इंसान को उसकी जगह वो दिखाता ही है। जैसे कि जहाज का पंछी जहाँ चाहे उड़ जाए, लौट कर अपने जहाज पर ही आता है। हमारा बात हम पे चेप दिया, देखो बात पे कॉपीराइट नहीं था। काट दिए, बाल काट दिए, ये देखिए। मैडम मेरे बाल किसी ने काट दिए और काट के भाग गया और मुझको पता भी नहीं चला। जब तक पलट के देखती किसी ने मेरे बाल काट दिए और बंदा गायब। देखिए मैडम, देखिए कितने लंबे घने और खूबसूरत बाल है, कितना जतन करके रखती थी, आपको कैसे बताऊं? एक औरत के लिए उसके बालों की क्या वैल्यू होती है वो आपसे बेहतर और कौन समझ सकता है? आप भी तो एक औरत ही हैं, ऐसे कैसे कोई मनचला बीच रास्ते से आके एक औरत का बाल काट सकता है मैडम? पुलिस और कानून जैसी कोई चीज है कि नहीं शहर में? देखिए आप प्लीज पानी पीजिए। हाँ हाँ मैं देता हूँ, ये लीजिए पानी पीजिए। उठना यार उठना। हाँ ले लिया। मर जाओगे यहीं पर। देखिए हम अच्छे से समझते हैं कि एक औरत अपने बालों को लेकर कितनी इमोशनल होती है। मैडम हर औरत होती है। वो तो है। आप लेकिन प्लीज परेशान मत होइए, हमने आपकी बात समझ ली है, हम इस आदमी को बहुत जल्द से जल्द पकड़ेंगे। अभी भी इस शहर में कानून व्यवस्था है और हम सब आपके साथ हैं, ठीक है? सो टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं। हाँ वैसे हमने तहकीकात शुरू भी कर दी है। एक बात बताइए, आप कौन सी कंपनी का तेल और शैम्पू इस्तेमाल करती हैं? क्या कंपनी की वजह से हुआ है बालों का हमला? नहीं 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 नहीं, वो हम ऐसे नहीं आ रहे थे, हम वो ऐसे आ रहे थे। हमारे कहने का मतलब यह है कि बाल तो देखो कितने लंबे घने मजबूत हैं, तो कौन सा शैम्पू और तेल इस्तेमाल करती हैं आप? क्या है हमारा जो है ना वो एकदम ही वाही आते बकवास है, देखो बालों में ऐसे हाथ घुमाते हैं ना तो गुच्छा हाथ में आ जा। हाँ वो ही कौन सा कंपनी का शैम्पू तुम यूज करती हो वो इनको बता दीजिए, क्या कुछ टाइम बाद गंजी होने वाली है ना, तो फिर वो शैम्पू जो है वो जो तेल है वो सब इनके काम आने वाला है। तफ्तीश, तफ्तीश करने के लिए ये सब जरूरी होगा ना, इसलिए वो लिखवाती जाइए। हम बात करें पुष्पा जी। हाँ हाँ मैडम से कीजिए। देखो प्लीज रोना बंद करो और हमें बताओ कि क्या कोई तुम्हारा दुश्मन है, कोई जो आपको जानबूझकर परेशान करना चाहता हो, या फिर ऐसा कोई जो आप पर पर्सनल अटैक करना चाहता हो? ये पर्सनल अटैक नहीं है, सब पे हुआ है, सब के साथ हुआ है।
हम सब भी इन्हीं की तरह उस सनकी आदमी के शिकार है मैडम, जिन्होंने इनका बाल काट लिया। उसने यही हरकत हमारे साथ भी किया है, हम सबके बाल काट दिए। देखिए ये देखिए, मैं म्यूनिसिपल ऑफिस से निकलकर अपने घर जा रही थी, वो पीछे से आया और उसने मेरे बाल काट दिए। और मैं ड्यूटी पर थी और किसी ने मेरे पीछे से बाल काट दिए। मैं अपना शिफ्ट खत्म करके घर वापस लौट रही थी, पता नहीं कहां से पीछे से आया और अंधेरे में मेरे बाल काटकर भाग गया। इसी तरह उसने हम सबको अपने पागलपन का शिकार बनाया है मैडम। हम ये नहीं जानते कि वो कौन है, कहां से आता है और ऐसा क्यों कर रहा है, पर इतना जरूर है कि वो कोई मामूली क्रिमिनल नहीं है। आज उसने हमारा बाल काटा है, कल को हो सकता है वो हमारा गला भी काट दे। जाइए मैडम, इसे पकड़िए और बचाइए इस शहर की महिलाओं को। मैडम बचाइए, मैडम बचाइए, बचाइए। एक मिनट, शांत हो जाइए, हम कुछ करते हैं। करिश्मा सिंह, मैडम ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर है और इस आदमी का पकड़े जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप संतोष चीता और बिल्लू को लेकर मौका वारदात पर जाइए, हो सकता है वहाँ से कोई क्लू मिले। जी मैडम। तो ये है वो घटना स्थल जहाँ उस सरफिरे आशिक ने गौरी के बाल काटे। तो चीता कहाँ है? चीते बस इधर इधर इधर। हमारा फर्क, गौरी का कहना है कि जैसे ही उस अपराधी ने उसके बाल काटे वो ऐसे पलक झपकते गायब हो गया। हमारा ऐसे कैसे हो सकता है पलक झपकते ही लुप्त? क्या भूत है क्या? पॉइंट तो है मैडम। मैडम करिश्मा मैडम, ये काम मकड़ी के जाला जैसा बड़ा झाड़ पहना दिया आप हमको, पूरा खोपड़ा खुजा रहा है हमारा। कहिए तो निकाल कर फेंक देते हैं मैडम प्लीज। कल काम कर ले, काम के लिए आया ना। काम डाउन। हमें उस घटना को पुनर्जीवित करना है। हाँ। तुम गौरी हो? जी मैडम। हाँ? ये घटिया अपराधी है बिल्ला। हाँ। ठीक है, ये तुम्हारे पीछे आएगा, तुम्हारे बाल काटेगा और जैसे तुम्हारे बाल कटेंगे तुम तुरंत मुड़ोगे और चिल्लाओगे नरभक्षी निशाचर दानव दैत्य इंसान लंगूरों का पूर्वज। रुक जाओ उधर, इसको इसको देख के तो ये सब निकलेगा ना मैडम। फ्रीज चिल्लाना है तुमको, ठीक है, और फिर बिल्ला तुम रुक जाओगे, फिर देखते हैं ये जो अपराधी है ये पलक झपकते गायब होता है तो होता कैसे, तब समझ में आएगा हमको, है ना? हाँ हाँ मैडम। चलो फिर शुरू हो जाते हैं। ठीक, आ जाओ संतु इधर आ जाओ। हाँ चलो, 1 2 3 एक्शन। बिल्ले कहाँ? बाल काटने है ना मैडम। नहीं, फील ही नहीं आ रहा है। क्या फील नहीं आ रहा है मैडम? मैं गुणी कलाकार हूँ, मेथड एक्टर, पुष्पा जी जैसा नहीं है मेरा। किसको ढूंढना है ए भवंडर? ऐसा नहीं, एकदम सटल एक्टिंग करता हूँ मैं, मतलब जैसे परी चाहिए वहाँ परी होनी चाहिए, ये देखो परा आ गया। कैसे मेरा एक्टिंग निकलेगा, वो फील ही नहीं आ रहा है, अंदर से दिल से आना चाहिए, वो परफॉर्मेंस नहीं आ रही है मैडम। सुनो, कनीस का आरजू है थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन दम है बात में। चीते समझ रहे हो, बात में दम है, फील होना जरूरी तो है। इसको देखकर तो इसकी बाल नहीं गला काटने का मन कर रहा है मेरा। टकली चमगादड़, चुप रहो ना, अभिनय का बात तुम हमसे मत करो। अभी देख पता नहीं कहाँ पहुँच गया था अभिनय, जो है ना बाबू हमारे रग रग में बहता है, रग रग में नसों नसों में बहता है हमारा। हमको चैलेंज मत करना, तुमको फील चाहिए ना? फील चाहिए। देख आ जाओ मैदान में, देख। हाँ हाँ, अब करे, अब चीता करेगा। हाँ हाँ, 1 2 3 बोलो एक्शन। पकड़ा गया मैडम? नहीं, दिमाग चलो ना, ऐसे लग रहा है कि इसको पता है कोई इसका बाल काटने वाला है। क्या रे खाली खोपड़ी। चीते 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 चीते, गौरी लड़की है, वो एकदम से नहीं पलटेगी, इतना शातिर नहीं होगी वो, पुलिस थोड़ी ना है। ठीक है मैडम, दोबारा से करो, थोड़ा लड़कियों जैसा, थोड़ा समझ। ठीक है मैडम, 1 2 3 एक्शन। मम्मी मैडम, फिर पकड़ा गया, कैसा निशाचर इंसान, हर बार पकड़ा जाता है। नहीं समझ में नहीं आ रहा, सही बात है ना यार, पकड़ा तो जाएगा ना।
कोई आके पीछे से बाल काटेगा और कितना दूर भाग जाएगा। ये गायब कैसे हो जाता है हमको समझ में नहीं आ रहा, क्या जमीन खा जाता है या आसमान उसको निकल जाता है। और कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है आसपास कि थोड़ा भी हमको पता चल जाए कि क्या चल रहा है ये टोपागिरी। मैडम मैडम वैसे मैडम मैडम हाँ वैसे ये पूरा प्रसंग में ना एक बात हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये जो बाल काटने वाला आदमी है ये बाल काट कर चला जा रहा है। तो क्या वो बाल काटे ऊपर से पैसे देकर जाए? चुप ना ये निशाचर इंसान, चुप ना यार, हम बतिया ले मैडम से। बतिया मैडम कहने का मतलब है कि वो आदमी ना खाली बाल काट रहा है, उसके बाद से वो आदमी को मार भी नहीं रहा है, उसको लूट भी नहीं रहा है, उसको गरिया भी नहीं रहा है, उसके साथ उदंडता भी नहीं कर रहा है। ये कुछ हमारे समझ में नहीं, खाली बाल काट के गायब। एक मिनट। हाँ 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 पापा, हाँ हाँ पापा, मैं आपको बताती हूँ, मैं अभी काम पर हूँ, मैं इतनी बार तो पापा बोलती हूँ दिन में। हाँ हाँ मैं आपको बताती हूँ, काम पर हूँ, ठीक है संतु? अब हाँ मैडम, ठीक है ना सब? हाँ पुष्पा जी। मैडम सर, अब तक 20 लड़कियों के साथ ये हादसा हुआ है और ये रही उन सबकी लिस्ट। दिखाइए। ये जितनी भी लड़कियां हैं ये सब अलग अलग पेशों से आती हैं। कोई म्यूनिसिपल में काम करती है, कोई सिक्योरिटी में है, कोई लॉयर है। एयर हॉटेस्ट। तो कोई एयर हॉस्टेस है। स्लिप ऑफ टंग। ये जो कोई भी है ना बहुत सफाई से इन सबके बाल काटता है और फिर उतनी ही सफाई से वो वहां से भाग भी जाता है। इनफैक्ट इन सबको देख कर ना ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही तेज धार वाली कैंची का इस्तेमाल करता होगा जो एक झटके में बाल काट कर चला जाता है। चीता चतुर्वेदी, इकबाल को बुलाओ। जी मैडम। तो इकबाल मियां, बताइए क्या लगता है आपको कि ये किसका काम है? किसी प्रोफेशनल सलून वाले का काम है या फिर किसी ने ऐसी बस एक तेज धार वाली कैंची से बाल काट दिए? इतने सारे बाल हैं किसके? मेरे। किसने काटे हैं वो बताओ ना, किसके बाल है? घर लेके जाओगे क्या? अरे नहीं, हम कह रहे किसी सलून वाले काम नहीं है ये। बाल काटना एक आर्ट है, हुनर है, कला है। ये किसी अनाड़ी ऐसे आलतू फालतू आदमी का काम है। कैंची पर चला दिया बालों पे। Are you sure? हाँ मैडम सर, खानदानी कारीगर है, तजुर्बा कहता है हमारा, मतलब अनुभव कहता है। एक्सपीरियंस बोलना। हाँ हाँ हाँ, एक्सपीरियंस है हमारा ये कि ये किसी सलून वाले का काम नहीं है। इतने मोटे और घने बाल, तो सिर्फ वो भारी वाली कैंची होती है ना उससे काटे जा सकते हैं, और नहीं कट सकते। ठीक है, तुम श्योर हो ना? हाँ 100%। तो फिर अब आप यहाँ से जा सकते हैं। सब मैडम सर बोले ना तब वहीं जाना, उससे पहले बैठे रहो यहीं पे। प्लीज जाओ। शुक्रिया मैडम सर। पुष्पा जी। जी मैडम सर। आज रात को आप क्या कर रही हैं? नहीं मैडम सर, वो आज गुरुवार है ना, तो पुष्पा जी के घर के पीछे बरगद का पेड़ है, वहाँ वो ऊपर चढ़ के करिश्मा मैडम के नाम की नींबू मिर्ची बांधती है ताकि वो उनके वश में रहे। मैडम सर क्या बताएं, उस पेड़ से ना 10 बार से भी ज्यादा गिर चुकी है पुष्पा जी, धपक धपक ऐसे करके, लेकिन आज तक करिश्मा मैडम इनके बस में नहीं आई। बक जीते क्या मैडम सर? ये दोनों कितना बकैती कर रहे हैं, देखिए हमारा मासूम सा चेहरा देखिए, आपको लगता है कि हम ये सब कुछ करते होंगे? हम कह रहे हैं कि आज रात को पेट्रोलिंग के लिए चल सकता है, तैयार रहिएगा। अच्छा तो आप वो ऐसे आ रही थी? हाँ हाँ बहुत बढ़िया मैडम सर, वो केसरगंज में चाय की दुकान है ना, जिसकी दुकान रात भर खुली रहती है, काफी दिन हो गए इलायची वाली चाय नहीं पी है वहाँ, तो वहाँ से। हाय मिसेस करिश्मा सिंह, बात हुई आपकी हसीना मलिक से? आपने कन्विंस किया उन्हें हमारी कंपनी के ऑफर के लिए? क्या हुआ, नहीं किया क्या? मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपको ये नौकरी बचानी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा। लगता है आपने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया, और जो मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता है वो यहां पर काम भी नहीं कर सकता है।
कुछ कह रहे थे सर आप? अरे आपने तो मेरी बात को सीरियसली ले लिया. और ये सब क्या है? ये सब ऑफिस में अलाउड नहीं है. नहीं, वो कहा है ना, अभी तक पुलिस का नौकरी छोड़े नहीं है ना हम. दो दिन बचा है अभी उसमें, इसलिए ये रखना पड़ता है कि कब कहाँ किसका एनकाउंटर करना पड़ जाए, कब किसका खोपड़ी फोड़ना पड़ जाए, कब किसको ठोकना पड़ जाए. हमारे दिमाग में ना हमको भरोसा नहीं है कब हमारा दिमाग पलट जाए. समझ रहे हैं आप? दिमाग पलटने से याद आया सर, हमारा अपॉइंटमेंट लेटर अभी तक हमको नहीं मिला. कब मिलेगा? अपॉइंटमेंट लेटर ना? हाँ, वो तो मैं आपको खुद ही देने वाला था. पाँच मिनट में आपके डेस्क पर होगा. क्यों कह रहे हो? कॉफी लेंगे आप? जी बिल्कुल, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग. पाँच मिनट. क्यों कह रहे हो? धन्यवाद. काम कीजिए ना अपना. जय हिंद करिश्मा मैडम. संतू, बाल वाले केस के बारे में कुछ पता चला? कुछ सूत्र, कुछ सुराग आगे का जांच पड़ताल करने के लिए? लगता तो नहीं है, लेकिन पुष्पा जी और मैडम सर जो है आज रात को उसी एरिया में नाइट पेट्रोलिंग के लिए जा रही है, तो हो सकता है कुछ हाथ लग जाए. नाइट पेट्रोलिंग? पुष्पा जी? अम्मा, वो काम तो हमारा है ना, तो पुष्पा जी को काहे लेके गई है मैडम सर? बताओ, लेके भी गई है तो पुष्पा जी को, जो अंधेरे में धुंधला जाती है. अच्छा चलो ठीक है, अभी रखते हैं, करते तुमको फोन. धन्यवाद. क्या लगता है आपको मैडम सर, ये औरतों के बाल काटने वाला इंसान इतना दलेर होगा कि SHO हसीना मलिक और हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह के बालों के साथ पंगा लेगा? पुष्पा जी, हर कोई तो जानता नहीं ना कि हम पुलिस वाले हैं. और दूसरी बात, हम आए ही हैं यहाँ ताकि वो हमें छेड़े, कुछ करे और हम उसे पकड़ लें. तो अब उम्मीद तो यही है, देखते क्या होता है. अंधेरी रातों में सुनसानी राहों पर, अंधेरी रातों में. क्या हुआ? शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा. हसीन जवान जान लड़की देखने की बस छेड़ना शुरू. पुष्पा जी, आप भी ना, इतने भी हसीन नहीं है हम. नहीं नहीं मैडम सर, हम हमारी बात कर रहे हैं. हम जैसी हसीन जवान जहां लड़की देखी नहीं कि बस छेड़ना शुरू हो गए. घर से निकलना मुश्किल हो गया इन मनचलों की वजह से. एक किस्सा सुनाते हैं मैडम सर आपको. पता है एक दिन क्या हुआ? क्या? हम और लल्ला के पापा ऐसे टहलने गए थे, तो कुछ लड़कों ने हमें छेड़ा. अच्छा, फिर? फिर क्या, धो डाला लड़कों को? नहीं नहीं, लड़कों ने लल्ला के पापा को धो डाला. पूरी रात हम गर्म पट्टियां करते रहे मैडम से. उस दिन हमें एहसास हुआ कि इतना भी जवान जहान और खूबसूरत होना अपने आप में भी एक अभिशाप है. बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप पुष्पा जी, लेकिन अब तो आप कांस्टेबल है ना, अब तो आप अच्छे से जानती हैं इस तरह के लफंगों से निपटना. नहीं, एक काम करते हैं, अभी जब वो आएगा ना ये बाल काटने वाला, तो आप अकेले ही उससे निपटना, हम बस खड़े होकर देखेंगे. हाँ हाँ मैडम सर. ठीक है. हाँ मम्मी. एक मिनट, रिलैक्स, लंबी गहरी सांस लीजिए. हाँ हाँ, अब बताइए. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हम समझ गए. प्लीज इतना पैनिक मत करिए, हम आ रहे हैं. ठीक है? ओके. क्या हुआ, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे सब ठीक है, हमारी अम्मी आजकल हर छोटी छोटी बात पर इतनी पैनिक हो जाती हैं कि अब उनकी रात की दवाई खो गई है, तो उन्होंने पूरी हाय तौबा मचा कर रखी है. पुष्पा जी, हमें जाना होगा, लेकिन आप थोड़ी देर पेट्रोलिंग और कीजिए, खत्म करके घर जाइए, क्योंकि हम घर के बाद थाने जाएंगे, हमें कुछ काम है. हाँ हाँ ओके ठीक है, गुड. जय मैडम. जय.